कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। ये बड़ा सवाल अमेरिका के सामने है, डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने है, और अमेरिका में तमाम अखबारों में मैं इस वक्त देख रहा हूं कि यही अब बहस चली है कि क्या कमला हैरिस को अमेरिका स्वीकार करेगा राष्ट्रपति के तौर पर। अमेरिका इसके लिए तैयार है। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे बदलाव को? जी देखिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट हैं वो कैमला हैरिस थी, हैरिस ही थी अभी तक। तो अब जबकि जो बाइडेन रेस से हट गए हैं, तो सबसे बड़ा जो नाम है, सबसे ज्यादा जो चर्चा है, वो उन्हीं के नाम का है। और जब जो बाइडेन को पार्टी में अंदरूनी तौर पर दबाव डाला जा रहा था, खासतौर पर जब वो कोविड से पॉजिटिव हो गए और उसके बाद जब वो आइसोलेशन में चले गए, उसके बाद व्यक्तिगत तौर पे जिन नेताओं ने भी उनसे बात की, उन्होंने उनको रेस से हट जाने की सलाह दी। और ये 3 दिनों से कहा जा रहा था कि वीकेंड तक ये फैसला हो जाएगा। आज रविवार का सुबह का भी समय है अमेरिका में, और रविवार को ये फैसला ले लिया जो बाइडेन ने, और वो रेस से हट गए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अब जो है वो जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है वो कौन होगा, और कमला हैरिस का जो नाम है वो सबसे आगे है। हालांकि कई और नामों की भी चर्चा रही है, और ये भी कहा जाता रहा है कि मिशेल ओबामा जो है वो अभी एक कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन जो अमेरिकी राजनीति के जानकार हैं उनका ये कहना है कि कमला है जो मिशेल ओबामा है, शायद इस बार वो सामने ना आए, क्योंकि इस बार जो ट्रंप हैं उनकी जिस तरह से लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर उठा है, और खासतौर पर उन पर जो हमला हुआ है उसके बाद से ये माना जाने लगा है कि अमेरिका में जो चुनाव है राष्ट्रपति का वो एक तरफा एक तरह से होने जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन की लोकप्रियता काफी गिरी है, खासतौर पर उम्र दराज होने की वजह से, जिस तरह से पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने एक पुअर परफॉर्म किया, और उसके बाद भी जिस तरह से उनकी भाषा लड़खड़ाती है, अपनी बातों में साफ नहीं हो पाते, तो इन सब बातों को लेकर एक पार्टी का दबाव जो लगातार उन पे बढ़ता जा रहा था। तो अब जबकि ट्रंप के जीतने की संभावना वहां बताई जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि मिशेल ओबामा जो है वो शायद इस बार चांस ना लें, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर्स को लगता है, कई लीडर्स को लगता है कि इस बार ट्रंप के आने के चांसेस हैं, और इसके बाद जो 4 साल के बाद जो चुनाव होगा तब मिशेल ओबामा को उसमें प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये एक चर्चा है जो अमेरिका में चल रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो 19 से 22 अगस्त तक जो एक नेशनल कन्वेंशन होना है, जिसमें कि तमाम डेलीगेट्स अमेरिका के जुटेंगे, अमेरिका भर के जुटेंगे डेमोक्रेट डेलीगेट्स, और उनके ऊपर जो एक चयन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि क्या उससे पहले ही डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एक फैसला करती है, और किसी एक नाम को लेकर क्या वो कमला हैरिस का नाम लेकर आगे बढ़ती है, या फिर वो कन्वेंशन तक इंतजार करती है। हालांकि इतना इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा पार्टी के लिहाज से, क्योंकि कैंपेन में जो डेमोक्रेट्स हैं पहले ही पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जब जो बाइडेन जो है कोविड के बाद आइसोलेशन में चले गए, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उनके कैंपेन पे पड़ा है, और कैंपेन एक तरह से अभी नहीं के बराबर हो रहा है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द एक नए नाम के साथ सामने आए, ताकि कैंपेन को जो है वो नई एक ऊंचाई है जो है वो दी जा सके, और जीरो से शुरू करना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट वहां पर आएगा, क्योंकि ट्रंप जो है काफी लीड ले चुके हैं। अलग अलग सर्वेज में उनका उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि जिक्र किया मैंने कि जो उन पर हमला हुआ पेंसिल्वेनिया में, उसके बाद से जो चाहे वो कैंपेन को लेकर हो, चाहे उनकी फंडिंग को लेकर हो, वो जो है काफी बढ़ती जा रही है। तो एक 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 बराबरी का मुकाबला हो, इसके लिए डेमोक्रेट्स को काफी मशक्कत करनी होगी एक नए नाम के साथ, और जितना देर किया है जो बाइडेन ने इस मैदान से हटने में, उतना ज्यादा डेमोक्रेट पार्टी का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जबकि वो रेस से हट गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दारोमदार इस बात पर है डेमोक्रेटिक पार्टी पर कि वो जल्द से जल्द एक नए नाम के साथ सामने आए।